चेतावनी, यह वीडियो वास्तव में केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। इस वीडियो में दिखाए गए प्रयोग और स्टंट खतरनाक हैं और पेशेवरों द्वारा किए गए हैं। कृपया इस वीडियो में दिखाए गए कुछ भी करने की कोशिश न करें। इस वीडियो को बनाने के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। टीम क्रेजी A2। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी A2। तो हमने काफी दिन हो गए धमाका नहीं किया है, तो आज हम आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, क्योंकि आज हम बहुत खतरनाक धमाका करने वाले हैं। धमाका इस प्रकार है कि हमारे पास एक टीवी, देखिए, हालांकि हमारे पास चालू कंडीशन में है, जो कि यहाँ लाइट नहीं बना, हम आपको चला के भी दिखा सकते थे। हम क्या करेंगे आज, इसके अंदर VIP, अनार, सूतली बम सब डालेंगे इसके अंदर, और फिर इसके अंदर धमाका करेंगे और देखते हैं कि फिर टीवी का क्या हाल होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये अनार बम, ये देखिए, ये अनार बम पे, सूतली बम पे, VIP है और ये टंकी बम पे। इनका भी धमाका बहुत खतरनाक है, आपने हमारी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा इसका कितना खतरनाक रिएक्शन, कितना खतरनाक धमाका होता है, कितना खतरनाक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक VIP की बराबर साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये चीज़। तो आज क्या करना है ना, सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इस टीवी को हम ना थोड़ा ऊपर से तोड़ेंगे, फिर बाद में देखते, तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर ये बम डाल देंगे। तो हम तोड़ने के लिए क्या इसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ से तोड़ देंगे थोड़ा सा इसको। गाइज, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की ट्राई नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ देख लें, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है और हम घरों से काफ़ी दूर है, क्योंकि हम जब इसको फोड़ेंगे ना, तो बम के कारण क्या, इसकी ये ट्यूब है ना, ये भी फूट सकती है, तो इससे क्या होगा, कांच निकलेंगे। तो हम क्या सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से हमने इसको इस जगह, इस लोकेशन पर इसलिए रखा है कि हम इसमें आग लगाने के बाद क्या इधर खड्डों में कूद सके, जिससे कि क्या हमारा नुकसान नहीं हो, हमारे लगने की, चोट लगने की संभावना कम हो जाए, इसलिए हम सेफ्टी पर्पज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। तो चलो गाइस, हमारी वीडियो में बने रहिए। अब हम इसके अंदर डालने वाले पेट्रोल, जिससे कि आग पूरी जगह लग जाए। हालांकि हमें पता है अभी पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन क्या, अगर आप लोगों के लिए करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ से आग लगाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो भाई, यहाँ हमने इसमें आग लगाने की तैयारी कर ली है, तो अब क्या करते हैं, हम इसका आग लगा देते हैं, भागने की पूरी तैयारी रखते हैं। कैमरामैन, तुम तैयार हो? हाँ।
गाइस देखो ये एक और यहाँ पड़ा है और दूसरी ट्यूब वहाँ टूटी है जो वहाँ वहाँ है, हमने पेट्रोल लगाया उस कारण आज उससे जल्दी उसको मिलते हैं पहले कैमरामैन हाथ दो। देखो ध्यान से एक बम बोल पड़ा है मेरे को यहाँ से बंद करना है, देख सकते हो गाइस देखिए पूरी ट्यूब जल चुकी है, पूरी टीवी जल चुकी है। हम अभी पास जाने से डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पर अभी भी बम पड़े हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम पास में जाए और कांच उछल के हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए हम थोड़ा दूर से ही देख रहे हैं इसको कि कहीं बम पड़ गया। ये देखो भाई मैं बता ना पास अभी बम पड़े हैं, हम जाने से डर रहे हैं। ये देखो ये कैपेसिटर नहीं होते हैं वो उड़ रहे हैं, ये चीज़ जब कैपेसिटर गर्म होते हैं ना तो ऑटोमेटिक बोलने लग जाते हैं ऐसे। अब शायद मेरे ख्याल से पास जाके देखना चाहिए एक बार, आई होप गाइज मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको कैसा लगा हमारा एक्सपेरिमेंट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, क्योंकि ये अभी भी बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। हमने देखा कि इस वीडियो को यहीं एंड कर दिया, लेकिन हमने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है जो आपको हम बता रहे हैं। हमने आग बुझाने के बाद देखी ये चीज़ इसके अंदर, देखो टीवी के अंदर एक ऊपर ये लोहे का बक्सा था, इसके ऊपर जो मेन ट्यूब लगी होती है ना जिसके ऊपर ये अब कांच की परत चढ़ी होती है वो लगी हुई, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो इस कांच की मोटर, ये आप ये गर्म तो नहीं है, इस कांच की मोटर देख सकते हो कम से कम आप समझ सकते हो 12 से 14 एमएम का कांच है ये, जिसके अंदर हम टीवी को दिखती है ना, जिसके अंदर हमें प्रिंट दिखता है उसकी जो मतलब मोटर है ना वो कम से कम है ना नहीं करते हुए 12 से 14 सेंटीमीटर तक मोटी परत होती है इसकी। आप सोच सकते हो टीवी कितनी मजबूत होती है, और हम ना इसी वजह से सोच रहे थे कि ये ट्यूब अभी तक फटी क्यों नहीं है, इस कारण हम डर के कारण पास भी नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि ये कांच फूटेगा तो उछलेगा तो लगने का डर है, लेकिन हमने अब पता पड़ा है कि कांच लेट फूटने का कारण ये है कि ये कांच कम से कम 12 से 14 एमएम मोटा है, इसीलिए इसको फूटने में इतना टाइम लगा, क्योंकि अब तक इतने सारे वीआईपी डाले, इतनी सारी अनारे डाली है और इतने बड़े बम डाले, उसके बावजूद भी ये सबसे लेट फूटी है। इसका कारण एक यही है कि ये 12 एमएम की कांच की परत होती है जिसको फूटने में काफ़ी समय लगा है, और इसको गर्म होने के बाद भी आपको पता शीशा फूट जाता है। आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा ही होगा, जैसे हमने शीशे के नीचे हमने बम्प लगाया था अनार बम, तो जब वो अनार बम से जली थी जब उसके बाद गर्म होके फिर फूटी थी वो, जबकि उसका धमाका नहीं हुआ था, सिर्फ वो गर्म होने के उसके टेम्परेचर की वजह से फूटी थी। तो हमने देखा टेम्परेचर की वजह से ये भी फूटेगी, लेकिन टेम्परेचर की वजह से नहीं फूटी है, ये बम्प की वजह से फूटी, लेकिन इसमें टाइम लगा है क्योंकि 12 एमएम का कांच कितना मोटा था आप सोच सकते हो एक बार। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।